15 अगस्त 2018 एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से अपने भाषण में कहते हैं कि अब हम गगनयान मिशन की तैयारी शुरू कर चुके हैं और जो 75वां साल हमारी आजादी का होगा, जो हम सेलिब्रेट कर रहे होंगे, यानी 2022 आजादी का अमृत महोत्सव, उस सेलिब्रेशन के पहले तक भारत अपना पहला मैन मिशन अंतरिक्ष में भेज चुका होगा और उसे सफल बना चुका होगा। प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ है और अब 2024 में उसे भेजने की बात कर रहे हैं। इस पूरे मिशन में भारत के सफल होने के साथ भारत दुनिया में चौथा ऐसा राष्ट्र बनने वाला है जो अंतरिक्ष में इंसान को ले जाने वाली लिस्ट में शामिल हो जाएगा, रशिया, अमेरिका और चीन के बाद। इस पूरे काम की जो जिम्मेदारी है वो HSFC को दी गई। HSFC ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर जो इसरो के अंदर काम करेगा और ये एक स्पेशली सेंटर है जो गगनयान को सफल बनाने के लिए स्थापित किया गया है। इसके अंदर कुल 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजने की बात हुई है। लगभग 5 से 7 दिन वो अंतरिक्ष में होंगे, लगभग 500 किलोमीटर की हाइट पर। पूरे प्रोजेक्ट में ऐसा मानना है कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है। ये एस्ट्रोनॉट जो है वो एयरफोर्स के पायलट्स हैं जिनको अच्छा खासा अनुभव है अंतरिक्ष में प्लेन उड़ाने की। इस पूरे गगनयान के प्रोजेक्ट में सिर्फ इसरो ही नहीं, इसरो के साथ बहुत सारे वेरियस एकेडमिक्स, इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट सेक्टर्स, सबका इन्वॉल्वमेंट है। सब मिलकर साथ काम कर रहे हैं। इवन जो DRDO है वो भी गगनयान मिशन के लिए जी तोड़ तरीके से लगा हुआ है। DRDO अंतरिक्ष यात्री ऊपर कैसे सर्वाइव करेगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा, इसके पीछे काम कर रहा है, शोध कर रहा है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज़ की जा रही हैं उसमें GSLV MK3 जैसी लॉन्च व्हीकल का यूज़ करने की बात हो रही है, क्योंकि 7,000 किलोग्राम मास, लगभग जो अनुमानित मास माना जा रहा है, को हमें अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी करनी है और GSLV MK3 में कैपेसिटी है। केयर की बात हो रही है, केयर जिसे हम क्रू एटमॉस्फेरिक रीएंट्री एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो एक तरह की इमरजेंसी लैंडिंग सिस्टम भी से आप बोल सकते हैं। ऊपर अंतरिक्ष में किसी तरह की दिक्कत होने पे हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे जमीन पर सेफली लौट आएंगे। रियूजेबल लॉन्च व्हीकल की बात की जा रही है कि जो गगनयान होगा वो एक तरह का ऐसा शटल होगा जिसमें RLV टेक्नोलॉजीज होंगी। ऑफ कोर्स, क्योंकि शटल वो होते हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं फिर लौट कर आते हैं, फिर इनसे प्रयोग में लाते हैं, तो गगनयान उसी का डिग्री का है। और हाँ, इसके साथ एक वेमेन रोबोट व्योममित्रा भी है जिसको भी हमें यूज करना है, जिसकी मदद से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब हम 2024 तक अंतरिक्ष में इंसान को उतारेंगे, भेजेंगे, तो शटल के अंदर किस तरह की गतिविधियां करनी होंगी, ये सब व्योममित्रा के थ्रू ट्रायल करने वाले हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट होने के बाद ही 2024 तक गगनयान को भेजने की बात है, क्योंकि रिस्क हम बिल्कुल नहीं ले सकते, सवाल उठता भी नहीं, क्योंकि इस बार 3 जिंदगियां भी हैं जो ऊपर जा रही हैं। गगनयान में अगर हम देखें तो बहुत सारी बेनिफिट्स भी हैं, इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर हम पहले प्रॉब्लम्स या लिमिटेशंस पर जाएं तो सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जो अंतरिक्ष यात्री ऊपर अंतरिक्ष में जा रहे हैं वो माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में है, क्योंकि जैसे जैसे आप जमीन के ऊपर जाते हैं गुरुत्व का मान, ग्रेविटी का मान कम होता है, और कम ग्रेविटी के मान में सर्वाइव करना इज नॉट इजी टास्क। तो पहला चैलेंज हमारे एस्ट्रोनॉट्स के सर्वाइवल का है कि माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट में कैसे सर्वाइव करेंगे। दूसरा टास्क अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर आप जब जाओगे तो रेडिएशन का इफेक्ट ज्यादा होगा। जमीन पर आप रहते हैं तो वहां पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो रेडिएशन को नीचे आते आते रोक देते हैं, तो नीचे आते थे रेडिएशन काफी कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर रेडिएशन का इम्पैक्ट ज्यादा होने वाला है, क्योंकि आप सीधा ऊपर जा रहे हैं तो ज्यादा इफेक्ट आप रेडिएशन में रहने वाले हैं। इन सब चीजों में सर्वाइवल करना इट्स अ डिफिकल्ट टास्क। ये कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ दिक्कतें हैं जो आने वाली। वहीं दूसरी तरफ अगर हम इससे फायदे अगर देखें तो भारत ऐसा मानते हैं स्पेस क्लब का मेंबर बन जाएगा। प्रेस्टिजियस क्लब है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया है और जो बड़े बड़े काम करने वाले कंट्रीज अंतरिक्ष तकनीकी में उनका एक एसोसिएशन या ग्रुप मान लो, तो भारत उसका मेंबर बन जाएगा। इम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमें मिल जाएंगे, इवन नए नए असाइनमेंट मिलेंगे तो हम नए नए मिशन भेजेंगे तो लोगों को और जॉब्स मिलेंगी। साथ साथ मोटिवेशन जो हमारे यूथ के लिए है कि भाई भारत ने बड़े बड़े मिशन भेज रहा है तो हमारी नई पीढ़ी को भी काफी मोटिवेशन मिल रहा है। भारत में और ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ने वाले हैं, स्पेस कॉमर्स बढ़ने वाला है। अन्य जो राष्ट्र होंगे वो अमेरिका से मिशन भिजवाते हैं, रशिया से मिशन भिजवाते हैं, किसी और कंट्री से, उनके ये भी दिखेगा भारत भी एक मार्केट है, यहाँ पर काफी हद तक हमारे स्पेस कॉमर्स भी बढ़ने वाले हैं। So, जैसे भारत पीछे के दिनों में चंद्रयान 3 मिशन भेज चुका है, आदित्य L1 की सफल लॉन्चिंग कर चुका है, वैसे ही आने वाले समय में भारत एक नया इतिहास रचने जा रहा है।